नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुजी मनोज कुमार भंडारी जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है एस्ट्रो पाठशाला पे। नमस्कार थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आज देख जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ गुरुजी भंडारी जी जुड़े हुए हैं और इनसे हम पूछेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, अपने जो क्यूरियोसिटी है उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे एस्ट्रो पाठशाला के सीनियर मोस्ट टीचर हैं और इनके पढ़ाने के तरीके का बहुत से विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है। आज हमें भी ये कुछ चीजें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दीपिका, पहले तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। और मैं ज्योतिष को पढ़ाने का मेरा 30 वर्ष का अनुभव है। एस्ट्रो पाठशाला के अंदर मैंने अभी तक 8 कोर्सेस किए हैं, जिनमें कि पहला कोर्स ताल्लिक का था, फिर नवमांशा का था, उसके बाद दशा का था, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा, दशा के बाद डिविजनल चार्ट्स का था, डिविजनल चार्ट्स के बाद मैंने किया था जैमिनी ज्योतिष का, जैमिनी ज्योतिष के बाद बेसिक टू एडवांस कोर्सेस का, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स, उसके बाद मैंने किया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। और जी प्रेजेंटली जी मेरा जो कोर्स चल रहा है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स, अभी ऑनगोइंग हमारा कोर्स चल रहा है। ज्योतिष पढ़ाने का अनुभव होने के अलावा मैं ज्योतिष का प्रैक्टाइजिंग एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जी जी बिल्कुल दीपिका जी, आपको क्या क्यूरियोसिटी, आप पूछिए, दो प्रश्न आप जी। पूछिए। जैसे कि आजकल जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और मार्केट में जॉबलेसनेस बहुत है, लोगों को जॉब इतनी इजीली मिल नहीं रही है, तो आप तो ज्योतिष हैं, आपके पास लोग आते होंगे अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो जो आपके पास ये जॉब रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे बताते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपटीशन सब बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम हो, या वो आईआईटीज के लिए जेईई का एग्जाम हो, या किसी तरह के इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, सभी बहुत टफ हो, आईएएस का एग्जाम है, ये सब बहुत टफ हो गए। तो अभी जो है जॉबलेसनेस इतनी बढ़ गई है, सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग और माता पिता इसमें ज्यादा चिंतित होते हैं, स्टूडेंट्स भी चिंतित होते हैं। तो मेरे पास जो कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं उनमें अधिकांश इस तरह के प्रश्नों को पूछने के लिए आते हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी जन्म पत्रिका होती है वो जन्म पत्रिका हमारी बर्थ टाइम पे कास्ट की जाती है, और उसका जो लगन होता है वो ईस्ट में राइजिंग राशि को उदित करके बनता है, और जो उस समय ग्रहों की गोचरी स्थिति होती है उनको रखा जाता है। लेकिन ये तो एक तरह से हमें पता करने का, फलित को जानने का मेथड है। इन सब के पीछे हमारे ऋषियों का कहना है, खास तौर पे जो जनक हैं ज्योतिष के, वो हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र के लेखक ऋषि पाराशर। पाराशर ऋषि ने ये बोला है कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित है। अब हम कुंडली के अंदर जो दशम भाव होता है वो आदमी की आजीविका का भाव होता है। तो सबसे पहले हमें कुंडली में कुंडली की स्ट्रेंथ को देखना होता है। इसके अंदर तीन भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पहला लगन का भाव, और दूसरा दशम भाव, और तीसरा 11th हाउस। क्योंकि जो 11वां भाव है ये गेन्स या लाभ का और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, यानी व्यक्ति जो चाहता है जीवन के अंदर क्या वो प्राप्त करेगा या नहीं प्राप्त करेगा, इसका भाव है। अच्छा तो हम क्या अच्छा करते हैं, जब हम कुंडली को देखते हैं तो हम इनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं अगर कुंडली के अंदर कोई राजयोग बने हुए हैं, उस कुंडली के अंदर ऐसे बहुत से नाना प्रकार के राजयोग हैं, जैसे कि केंद्र और त्रिकोणों का संबंध लक्ष्मी नारायण योग है, राशि परिवर्तन राजयोग है जो कि शुभ भावों के अंदर होना चाहिए, इसी प्रकार से नीच भंग राजयोग होता है, और
पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। तो राजयोग और इसके अलावा चंद्रमा से बनने वाले राजयोग कुंभा अनफा दुर्धरा हैं, सूर्य से बनने वाले राजयोग वासी वेशी और उभयाचारी हैं, और इसी तरह से अमल कीर्ति है चंद्र से बनने वाला, और चंद्र मंगल योग है। तो बहुत राजयोग है। हम क्या करते हैं, कुंडली के अध्ययन को सबसे पहले हम राशि चार्ट के रूप में करते हैं, और उसमें देखते हैं कि दशाओं में क्या दशम भाव का, लगन का अथवा एकादश भाव का ग्रह या वहां बैठा हुआ कोई ग्रह दशा के अंदर आ रहा है। दूसरा, वो ग्रह जो कि छठे भाव का स्वामी है या छठे भाव से संबंधित है, वो ग्रह भी जॉब दिलाने वाला होता है अगर वो सूक्ष्म अंतर में या प्रत्यंतर में आता है दशाओं में। तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जीवन चार्ट से कि इस व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी का योग बनता है, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर अच्छे राजयोग बनते हैं और धन योग बनते हैं। इसके विपरीत में अगर अच्छे राजयोग नहीं बनते और धन योग नहीं बनते, लगन का स्वामी वीकर होता है। वीक कैसे हो जाता है लगन का स्वामी? लगन का स्वामी जब छठे आठवें बारहवें भावों में बैठ जाता है, या पापी ग्रहों के बीच में बैठ जाता है, या पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, ऐसे में वो वीक माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा, चंद्रमा हमारा एक डिटर्मिनेशन का प्लेनेट मानसिक तौर पे माना जाता है। कहते हैं चंद्रमा मानसो जायते, मन का कारक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर जी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बलिष्ठ है, शुभ ग्रहों से ध्रष्ट है, शुभ भावों में बैठा है केंद्र और त्रिकोण में, तो ऐसा व्यक्ति हारते हारते भी हार को जीत में बदल देता है। अब ये कुंडली से हमने एक फैसला लिया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि कुंडली जो बातें हमें बताती हैं उन्हीं बातों का रीकन्फर्मेशन हमें करना होता है। वो नवमांशा चार्ट है, D9 चार्ट। नवमांशा में भी उन्हीं ग्रहों का जो ग्रह की कंपोनेंट्स हैं उसको जॉब दिलाने वाले, उसको समृद्धि मान समृद्धि दिलाने वाले, उनका की कंपोनेंट्स का हम बलाबल देखते हैं। इसी प्रकार से इन तीनों भावों का बलाबल देखते हैं, प्रथम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, जो कि लाभ का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है। अगर ये बली है नवमांशा में, तो फिर हम ये प्रेडिक्शन की तरफ को हम दो कदम आगे बढ़ गए। अब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और रिस्पॉन्सिबली कर पाएंगे कि एक दशा विशेष में इस व्यक्ति को जॉब मिलने वाला है और अच्छा जॉब मिलने वाला है। और वो दशाओं में मैंने आपको बता दिया कि लगन हो गया, दशम हो गया, एकादश हो गया, छठा भाव हो गया। छठा भाव क्यों है? अच्छा, नवम भाव का जो रोल होता है वो एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ क्रिएट करने वाला होता है। इसमें नवम को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नवम भाव के समय पे, उस वहां पे बैठे हुए ग्रह के समय पे, नवम के स्वामी के समय पे, व्यक्ति को कॉल सेंटर से या वहां से प्लेसमेंट एजेंसी से एक कॉल आता है कि आपके सूटेबल फला फला जॉब है। उसके माता पिता या मित्र बताते हैं कि आईएएस का अब एग्जाम का फॉर्म भरने का समय आ गया। इसी प्रकार से जो जितने भी पीएसयूज के एग्जाम्स हैं या जितने भी नीट वगैरह के हैं, कोई ना कोई मोटिवेट करता हुआ उसको उस एग्जाम में बैठने के लिए प्रेरणा स्वरूप निकल के आता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव। तो हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हम उससे फैसला नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे जी बस क्रिएट करेगा, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी को कौन फुलफिल करेगा? प्रथम भाव यानी लगन का स्वामी, दशम भाव यानी कि रोजगार के मालिक का स्वामी, और एकादश भाव जो कि डिजायर फुलफिलमेंट या गेन का भाव है, और छठा हाउस क्योंकि जॉब का हाउस है और कंपटीशन राइवल्स का हाउस है। तो वो भी देखा जाएगा कि उसका स्वामी जब आ जाएगा तो कंपटीशन में अगर वो बलिष्ठ है तो वृद्धि देता चला जाएगा, यानी उसको जो है प्रीलिम्स क्लियर करा देगा, उसको मेंस क्लियर करा देगा, उसको इंटरव्यू क्लियर। अब दीपिका, यहाँ पे हमारा साइंस
बहुत सूक्ष्मता से लिखा हुआ साइंस है। मतलब ऋषि पाराशर ने किसी भी बात को स्थूल काय नहीं बोला है। जो ज्योतिषी आज की डेट में सिर्फ राशि चार्ट और नामांशा चार्ट को देखकर अपने प्रेडिक्शंस को बेस करने लगते हैं, उन ज्योतिषियों में ये बात कमजोरी की आ जाती है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक एक चार्ट बनाया है दशमांसा D10। D10 का जो चार्ट है वो इसी बात को सूक्ष्मता के साथ में बताने जा रहा है। अब उन्हीं ग्रहों को दशमांसा में देखा जाता है और दशमांसा की मजबूतियों को देखा जाता है, उसकी बलिष्ठता को देखा जाता है। अगर वो बलिष्ठ है तो इसका मतलब इन दशाओं के कारगर रूप से वो परिणाम देने में सक्षम। तो आप ये तो समझ गई होंगी कि हमारा साइंस थोड़ा सूक्ष्म है, जी और बिल्कुल सूक्ष्म साइंस होने की वजह से ये ज्योतिषियों के ऊपर थोड़ा एक बर्डन ऑफ हार्ड वर्क क्रिएट करता है, जी स्मार्ट वर्क क्रिएट करता है। लेकिन आपको इस बात पे गर्व होगा, मेरे जितने भी छात्र हैं वो जो हैं सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। जी गुरु जी, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने बहुत क्लियरिटी से दिया। मैं होप करती हूँ मुझे तो समझ में आ गया, बाकियों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। और दैट्स व्हाई आप बेस्ट टीचर हैं हमारे एस्ट्रो पाठशाला के, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। तो ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे जॉब में हमें इशूज आ जाते हैं, कभी हमें सस्पेंशन मिल जाती है, कभी कुछ इशूज आते हैं, कभी कुछ, तो आप ये कैसे हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें पहले से इस चीज की नॉलेज हो जाए कि भाई हमारे जॉब में कुछ इश्यूज आने वाले हैं, सो दैट हम थोड़ा प्रिपेयर रखें खुद को पहले से ही। बहुत बहुत खूबसूरत प्रश्न है दीपिका, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि अगर हमारे सब्जेक्ट की कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी बन सकती है, उन लोगों के लिए जो कि जॉब में हैं, नौकरशाही में हैं या नौकर नौकरी पेशा वाले हैं, तो वो उसी हालत में बन सकती है कि अगर हमारे ज्योतिषी इतने सक्षम हो जाएं कि दशाओं को देखकर वो ये बता सकें कि किसी व्यक्ति के जॉब में कोई बहुत बड़ी परेशानी या छोटी परेशानी ऐसी आ सकती है जिसके लिए उसको उन दशाओं के पूर्व में ही तैयार होके बैठ जाना चाहिए, अपने बिहेवियर को सुधार लेना चाहिए, बॉसेस से जी इक्वेशन बेटर कर लेनी चाहिए और साथ ही एक नए जॉब की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना रहे कि उसको फिर लीन पीरियड से गुजरना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्रेजेंट जॉब छूट जाए और फिर दूसरे जॉब मिलने की तैयारी वो तो जो है बहुत बाद में करे और उसको दो जी तीन 4 महीने का नुकसान हो जाए। तो हाँ जी इसको देखने का बहुत आसान तरीका है दीपिका, हमारा जो दशमांशा चार्ट है, दशमांशा चार्ट जो है दशम भाव का एक्सटेंशन का चार्ट, उसके वो जो है उसके एकादश भाव में अष्टम भाव पड़ता है और ये 12वें भाव का लाभ का भाव हो जाने की वजह से 12वां भाव लॉस का भाव है और अष्टम भाव एक व्यक्ति को निठल्ला बैठाने वाला भाव है। उस अष्टम भाव से तो वो तृतीय भाव है, यानी मशक्कत मेहनत पुरुषार्थ का है। तो एक निठल्ले आदमी को जॉब में आने के बाद देखिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसकी स्किल सेट्स बढ़ती हैं, उसकी अपनी काबिलियत भी बढ़ती है और साथ में वो घर के लिए भी एक वैल्यूएबल मेंबर बनता है, क्योंकि वो जॉब में आने के बाद कमाने लगता है, उसको मान प्रतिष्ठा मिलती है तो उसके जी परिवार को भी मिलती है। और द्वादश भाव जो है उसका ये लाभ होने की वजह से, द्वादश भाव हमारे लॉसेस का भाव है लेकिन उसका लाभ का मतलब है कि लॉस ना हो जाए। तो इस वजह से क्या है, दशमांशा चार्ट में ऋषियों ने जो बात बोली है वो है इसके तीन हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तीसरा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। थर्ड हाउस जो होता है उसमें बैठा हुआ ग्रह और उसका स्वामी
व्यक्ति को जॉब में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां छोटे रूप में देना प्रारंभ कर देता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह और अष्टम भाव का स्वामी एक व्यक्ति को ऐसी स्थितियों में ला सकता है जो मानसिक रूप से उसको अवसाद दे, उसको तकलीफें दे, उसको ये लगे कि उसका जॉब जा सकता है, उससे कोई गलतियां करवा दे, जिन गलतियों का खामियाजा भुगतते हुए उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाए, सस्पेंशन हो जाए और उसका जॉब चला जाए। 12वां भाव जो है इसमें, ये एक ऐसा दुख का भाव है जो कि ये बताता है कि व्यक्ति का जॉब चला जाए। ओके सर, तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया है, क्लेरिफिकेशंस मिल गई हैं काफी सारी। तो अभी मेरा एक और क्वेश्चन है छोटा सा, और आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या कुंडली देख के हम ये भी बता सकते हैं कि किसी इंसान के लिए क्या ज्यादा सुइटेबल है, बिजनेस या जॉब? और जॉब भी अगर सुइटेबल है तो किस तरीके की, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किस सेक्टर? जी दीपिका, ये प्रश्न भी आजकल बड़ा ज्वलंत है और माता पिता और स्टूडेंट्स उससे आके पूछते रहते हैं। इसको देखने का तरीका होता है, दशमांसा कुंडली इसका मिरर माना जाता है। जो D10 चार्ट है या दशमांसा है, दशमांसा कुंडली के अंदर अगर दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं, 2, 6, 10, 11 ये भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो व्यक्ति जो है एक बड़े जॉब में होता है। किंतु अगर दूसरा भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव स्ट्रांग होते हैं, दूसरा, सातवां, नवा और एकादश ये अगर स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि 10वां भाव जो है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का माना जाता है, अगर 10वां भाव स्ट्रांग नहीं है दशमांसा का, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि द्वितीय भाव जो वेल्थ का भाव है, सप्तम भाव जो दशम पद माना जाता है, जो पार्टनरशिप का भी भाव है, डे टू डे इनकम का भी भाव है, नवम भाव जो भाग्य का भाव है और एकादश भाव जो गेन का भाव है, अगर ये चार भाव स्ट्रांग होते हैं तो व्यक्ति बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। और इसके विपरीत में अगर द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, छठा भाव जो जॉब का भाव है, दशम भाव जो पावर पोजीशन का भाव है और जॉब के व्यक्ति के जॉब में किसी ना किसी तरह की ताकतों को दिखाता है, उसके काम में ताकतों को दिखाता है जो या तो प्राइवेट जॉब में होती है हायरिंग फायरिंग की या सरकारी जॉबों में, और उसके बाद एकादश, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ये चार भाव अगर स्ट्रांग होते हैं तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जॉब के लिए ज्यादा अच्छा है। अब एक तरफ आप लिखेंगी 2, 6, 10, 11, दूसरी तरफ आप ठीक लिखेंगी बिजनेस के नीचे 2, 7, 9, 11, तो ये ठीक फर्क हो जाता है। अब आपका इसी में एक प्रश्न और था कि क्या व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। देखिए, सरकारी नौकरी करने के लिए हमें राशि चार्ट से शुरू करके इन ग्रहों की जो सरकार में ले जाने वाले, सरकार में ले जाने वाले चार ग्रह होते हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं और गुरु हैं। इन चार ग्रहों की हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है। सूर्य ग्रह इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य D1 चार्ट के अंदर, D9 चार्ट के अंदर, D10 चार्ट के अंदर अगर सूर्य बलिष्ठ है अथवा चंद्रमा बलिष्ठ है D1 में, D9 में, D10 चार्ट में, तो इसका मतलब ये सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। लेकिन अब वो नौकरी के अंदर ब्यूरोक्रेटिक जो नौकरी है, हाई एंड की, जैसे IAS वगैरह की सर्विसेज हैं, उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु जो है ब्यूरोक्रेसी के प्लैनेट माने जाते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि गुरु अगर T1 में, D9 में, D10 में स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार के बड़े ओहदों में होते हैं। इसी प्रकार से
मंगल जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर के प्लैनेट माने जाते हैं, तो मंगल का अध्ययन जो किया जाता है वो अध्ययन करने में हम ये जान पाते हैं कि ऐसा आदमी सरकारी नौकरी में क्या, किस तरह की सरकारी नौकरी में होंगे जिसमें यूनिफॉर्म सर्विसेज और डिसिप्लिन की सर्विसेज हैं। डिसिप्लिन की सर्विसेज कौन कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, इसके अलावा आपके जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस तरह की सर्विसेज जो है वो यूनिफॉर्म, एनआईए वगैरह, ये यूनिफॉर्म सर्विसेज मानी जाती हैं और ये डिसिप्लिन की सर्विस होती हैं। पावर और अथॉरिटी को ये वील्ड कर इस तरीके से। मैं आपके सामने एक कुंडली जो है शेयर करना चाहता हूँ, वो उस कुंडली से आपको ये बात बिल्कुल पता चल जी जाएगी। ये पहली जो ठीक कुंडली है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं है और ओके ये इनकी कुंडली में, अच्छा एक और इसके अंदर आप इनकी कुंडली में एक बात और करेंगे कि मंगल जो है वो स्वग्रही होके गुरु के साथ, गुरु जो ब्यूरोक्रेसी के प्लैनेट हैं उनके साथ ठीक में मंगल यहाँ पर बैठे हैं दशम भाव में, यानी दशम भाव स्ट्रांग हो जाता है, दशम भाव स्ट्रांग हो जी जाता है। लगन का जो स्वामी है शनि वो नीचस्थ हैं लेकिन चंद्रमा के साथ हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। किससे हुआ? छठे के लॉर्ड के साथ। छठा झगड़े झंझट का हाउस है। अब आप इन्हीं प्लैनेट्स को अगर आप देखेंगे D9 चार्ट के अंदर तो यही मंगल वर्गोत्तम है, क्योंकि इसी वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में ये राशि चार्ट में है और इसी 8 नंबर की राशि में ये बैठे हुए हैं नवांशा में। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए। लगन का जो स्वामी है वो यहाँ उच्च का हो गया, गुरु यहाँ भाग्य भाव पे आ गए, यानी इन सभी ग्रहों के अंदर एक विशेष तरीके से पावर दिखाई पड़ती है। अब आप इसमें दशमांशा चार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे यही मंगल जो कि वृश्चिक राशि के हैं वो मंगल यहाँ पे भी वृश्चिक राशि के हैं और दशम पद में बैठे हैं, यानी कि इस भाव में बहुत स्तंभ आ गई है, क्योंकि दशमांशा के दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ में संयोग बना रहा है। और आप इसमें देखेंगे कि जो गुरु हैं ब्यूरोक्रेसी के प्लैनेट वो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हुए छठे भाव में बैठे हैं, दशम पर दृष्टि रखते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गए। दूसरा सूर्य जो है दशमांशा के अंदर लाभ भाव में और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति बनती है। शनि योगाकारी हैं, शनि इनकी कुंडली में भी योगाकारी हैं, नवमांशा में भी योगाकारी हैं और दशमांशा चार्ट में भी योगाकारी हैं। योगाकारी ऐसे ग्रहों को कहते हैं जिनकी एक राशि केंद्र में पड़ती है और दूसरी शनि, शनि जो है यहाँ पे लगन के स्वामी हैं, यहाँ लगन के स्वामी हैं और दशमांशा में योगाकारी हैं। ये स्लिप ऑफ टंग था। शनि कुंडली के अंदर लग्ना लॉर्ड हैं और कुंडली नवमांशा कुंडली में भी लग्न के स्वामी हैं, लेकिन शनि दशमांशा कुंडली में योगाकारी होते हैं, राजयोगाकारी होते हैं, क्योंकि उनकी एक राशि नवम भाव पे है और द्वितीय राशि उनकी दशम भाव पे पड़ती है। तो ये शनि बहुत पावरफुल हो गए हैं और मंगल दशम पद के साथ में सप्तम भाव के स्वामी के साथ में उनकी युति बन जाती है। सूर्य जो है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में या गेम में बैठे हैं, इससे सरकार में बड़े ओहदे को दिखाते हैं। अब मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाता हूं। अब ये दूसरी कुंडली है, आप इसमें देखेंगे कि जो मंगल है इस कुंडली के अंदर, मंगल इसमें दशम भाव पे दृष्टि रखते हैं, गुरु ताकतवर हैं जो कि लग्नेश और दशमेश हैं होकर वो लगन के भाव पे बैठे हैं और इसके नवमांश के अंदर आप देखेंगे गुरु यहाँ नीच के हो जाते हैं नवमांशा में, लेकिन चंद्र से केंद्र में होने से
इनका नीच भंग हो जाता है और सूर्य नवम भाव में बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे नवमांशा का दशम भाव का स्वामी सूर्य की राशि में बैठे। अब दशमांशा चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दशमांशा चार्ट के अंदर आप देखें कि इनका बुध का उच्च का इनके ऊपर इनके लाभ भाव पर वो पड़ता है आस्पेक्ट। दशम भाव का स्वामी इनका सूर्य है जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। सूर्य इनके दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी कि द्वितीय का संबंध दशम से हो गया है और छठे भाव में मंगल बैठ गए हैं स्वराशिस्त होकर। इसका मतलब एक बहुत पावरफुल कुंडली बन जाती है जिसमें सूर्य मंगल जो छठे भाव और दशम भाव के स्वामी हैं उनका आपस में संबंध 2, 6, 10 में हो रहा है। इस वजह से, और ये लग्न के भी स्वामी हैं, ये दशमांश के लग्न के भी स्वामी हैं और लग्न के स्वामी होके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। इस वजह से इनको भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन कुंडलियों की एनालिसिस करते समय दशमांशा चार्ट या D10 चार्ट की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और दशा के अंतर्गत तो विशेष तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझा दिया आपने, और कुंडली के एग्जाम्पल के साथ तो और अच्छे से क्लियर हो गई है चीजें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को समझ में आया है, और आगे फिर आपसे ऐसे ही नए नए टॉपिक पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। दीपिका जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, इसमें दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये एक D10 का जो चार्ट है, देखिए एक शिक्षक जो है उंगली पकड़ के चलना तो सिखा सकता है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं चलने का एफर्ट्स करने होते हैं। और इसमें चाणक्य जी ने कहा है, अनभ्यासे विषम विद्या, जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता उसको विद्या विष के समान आती है, यानी उसे फलित नहीं होती। तो मैं अपने दर्शकों से अष्टौ पाठशाला के ये आग्रह करूंगा कि जो नियम मैंने इसमें बताए हैं दीपिका को, उन नियमों को नोट डाउन कर लें और विभिन्न कुंडलियों पे उनके दशमांशाओं पे उन नियमों को लगा लगा कर अभ्यास करें, ताकि आप अभ्यास के द्वारा इस सब्जेक्ट में एक मास्टरी हासिल कर सकें। यही एक शिक्षक का सबसे बड़ा ध्येय होता है कि उनको सुनने वाले और उनके जो छात्र हैं वो उनके ही समान योग्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपका। इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी, जी गुरु जी, और अष्टौ पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा पुनः सादर नमन।